क्या आप भी लाना चाहते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन, या आपके पास कोई ऐसा आइडिया जिसे मिलाकर बनाना चाहते हो एक बेहतरीन वेब एप्लीकेशन, तो आइए softmatic.in पर। यहां आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले ये शुरू करते हैं ये फ्री कोर्स, जहां पर आप सीख रहे हैं मल्टीवेंडर ई-कॉमर्स की वेबसाइट को बनाना। यदि आपको इस कोर्स का सोर्स कोड और हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ प्राइवेट ट्यूशन चाहिए, तो यहां से आप हमारे मेंबरशिप को करिए सब्सक्राइब। इसमें एक छोटी सी राशि मात्र 199 देकर के आप इस पूरे हमारे कोर्स के मेंबर बन सकते हैं, जिसमें आपको इस पूरे कोर्स का सोर्स कोड फ्री में दिया जाएगा और हमारे जो भी इंस्ट्रक्टर हैं वो डेली अवेलेबल रहेंगे शाम 8 से 11 सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश, आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट, और आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने काम किया था कस्टमर ऑर्डर पे, कि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके ऑर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन को उसके हम पोर्टल में डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके लिए क्या करना था, क्या एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या हुआ था। मैं चलता हूँ अपने लोकल होस्ट पे और यहाँ पे आता हूँ पीएचपी माई एडमिन पे, ठीक है ना। जब भी PHP एडमिन ओपन हो जाएगा तो उसके बाद की चीज़ें क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी इसमें हमें एक डेटाबेस जो है ना वो और बनाना पड़ेगा। वो क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई ऑफलाइन पेमेंट कर रहा है ना, तो उसके पेमेंट की जो ऑफलाइन भी पेमेंट हो रहा है ना, उसके पूरे पेमेंट की इन्फॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करवाएंगे एक टेबल में, ठीक है। तो वो क्या करना है कि पहले तो चलते हैं अपने PHP एडमिन में और वहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पे एक टेबल बनानी है, तो वो तो हम बनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले क्या है ना कि यहाँ पे भी देखो कोई लॉगिन नहीं है, ठीक है। तो लॉगिन नहीं है तो मैं अगर देखना चाहता हूँ कि माई अकाउंट, तो ये तो रिडायरेक्ट किया है हमें इस पर। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिख करके लॉगिन करता हूँ, कोई जो आईडी होगी इसकी, जिस भी नेम से या जिस भी ईमेल से हमने यहाँ पे साइन इन किया होगा उसको हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर यहाँ पे लॉगिन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि admin@gmail है, admin@admin.com भी है, admin@gmail भी है। तो admin@admin.com मैं कर लेता हूँ, admin@admin.com, और यहाँ पे 123456, है ना, 123456 करके अगर मैं इंटर होता हूँ तो कह दिया कि आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं सेव भी कर देता हूँ, तो देखो मैं लॉगिन हो गया हूँ यहाँ पे, है ना। लॉगिन होने के बाद मैं चलता हूँ अपने माई ऑर्डर के पेज पे, और यहाँ पे मेरा कोई ऑर्डर क्योंकि है नहीं तो मैं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो वो तो बात चलो अलग की है, तो कोई नहीं, मैं चलता हूँ अपने मेन साइट पे और एक ऑर्डर करने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो ऑर्डर सक्सेसफुली होता है या हमारे अकाउंट्स में डिस्प्ले हो पाता है या नहीं हो पाता, यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो डिस्प्ले ना हो रहा हो तो वो उसका पूरा काम हमें अभी आगे करना पड़ेगा। पहले तो देखते हैं कि है क्या। यहाँ से हमने प्रोसीड टू चेकआउट किया और पे ऑफलाइन, हाँ ठीक है, पे ऑफलाइन कर दिया मैंने। तो ये अब देखो मैं अपने इस पे आ गया हूँ माय ऑर्डर के पेज पे, और यहाँ पे इसने डिस्प्ले कर दिया कि ये है आपका ऑर्डर। तो चलो ये काम तो ठीक हो गया है कि ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। अगर मैं जाता हूँ कि भाई कन्फर्म करूँ इसको, तो यहाँ पे देखो ये ऑर्डर आईडी 9 इसकी लेकर के जा रहा है कन्फर्म करने के लिए, तो कन्फर्म इफ पेड। तो हमें इसी वाले पेज पे अपने काम करना है कि जब कोई कन्फर्म इफ पेड पे क्लिक करे तो होना क्या चाहिए। तो देखो भाई, होने का सिंपल सा मतलब है ना कि एक कन्फर्म के पेज पे हमको ले जाएगा, ठीक है ना। और उस पेज पर हम लोग क्या करेंगे कि ये लेकर जा रहा है ऑर्डर आईडी, तो उसी ऑर्डर आईडी से रिलेटेड हम इसकी इन्फॉर्मेशन ले करके इसके डेटाबेस में भेज देंगे कि इस व्यक्ति ने पेमेंट कर दिया है, तो ठीक है ना। तो चलते हैं कोड एडिटर पे और देखते हैं यहाँ पे अपना ऑर्डर confirm.php, ये है हमारा पेज confirm.php का। और इसमें हम करते ये हैं कि है ठीक है confirm.php पे। अच्छा, यहाँ पे इनसे ये कह देते हैं ना इसी फंक्शन के बाद में कि भाई तुम ऐसा कर लो कि इफ, ठीक है, इफ इज सेट, क्या सेट हो, सेट ये हो कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है गेट, है ना, अगर एक्टिव हो तुम्हारे URL में, कौन सा ऑर्डर आईडी, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है कस्टमर के ऑर्डर से, ठीक है। तो वो अगर एक्टिवेट हो, वो अगर एक्टिवेट हो तो हमें क्या करना है, तो क्या करना है ना कि यहाँ पे आ जाओ, पहले ये देख लो ना कि कौन सा वेरिएबल हमने वहाँ से भेजा था। तो माई ऑर्डर, तो माई ऑर्डर पे आने के बाद में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इनको भेज रहे हैं confirm.php पे इस वेरिएबल के साथ में और इस वैल्यू के साथ में। वैल्यू क्या है, ऑर्डर आईडी, बट यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, ये ऑर्डर आईडी। तो आप इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर ये ना एक्टिवेट हो तुम्हारे URL में तो क्या करना है, तो आगे की चीज़ें करनी है। तो आगे की चीज़ें क्या है,
वो ये है कि पहले तो ये जो वैल्यू आ रही है तुम्हारे URL से, इसको क्या करो कि एक लोकल वेरिएबल में किसी में स्टोर कर लो आगे यूज़ करने के लिए। तो इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ सेम ऑर्डर आईडी के ही नाम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसको भी कैसे स्टोर करना है, उसको स्टोर ऐसे करना है कि वो आ रहा है गेट के थ्रू, तो वो गेट के थ्रू आया, और गेट के थ्रू आने के बाद में ये है, और इसको हमने भेज दिया यहाँ पर, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो अब इससे क्या पता चला कि ये जो ऑर्डर आईडी वहाँ से आई है, कहाँ से आई है, यहाँ से ये जो ऑर्डर आईडी जा रही है, नीचे आप देखो ऑर्डर आईडी इक्वल 9, ठीक है ना। अब ये ऑर्डर आईडी आपको कहाँ पे मिली है, ये ऑर्डर आईडी अब हमारे इस वेरिएबल में आ गई है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब ये ऑर्डर आईडी आ गई तो इसको हम आगे यूज़ करेंगे अपने काम में, ठीक है। वो कैसे यूज़ करेंगे आइए दिखाते हैं। पहले तो ढूंढना पड़ेगा ना कि फॉर्म कहाँ पे है, जब फॉर्म मिलेगा ना तो उसी में इसको यूज़ करेंगे। तो ये है फॉर्म, वेयर इज़ फॉर्म, इसमें है ही नहीं है क्या, कन्फर्म में तो मैं हूँ, ठीक है, कन्फर्म में बॉडी डिव कंटेनर और ये सारी चीज़ें हैं, और आई थिंक कहीं कुछ रॉन्ग है। कन्फर्म पे अगर मैं हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने लिखा होगा ना कि प्लीज़ प्रोसेस योर ऑर्डर। ऐसा करता हूँ ना कि इसको कंट्रोल एफ कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉर्म सर्च कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये मिल गया फॉर्म, बट केवल फॉर्म यही नहीं है, यहाँ पे और भी होंगी डिटेल्स। ये रहा फॉर्म जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ कन्फर्म योर डिटेल, ये हमें दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जब इसका एक्शन हमें इसी पेज पे देना है, कहीं और अब नहीं ले जाना यहाँ से इनको, हम हैं confirm.php पे और हमको मिल चुकी है ऑर्डर की आईडी, ठीक है ना। तो अब सिंपल सा ये करना है कि इसका जो फॉर्म रहेगा ना, जब अब इसके नीचे ये सारी डिटेल्स के बाद जब कोई भरने के बाद इसको सबमिट करेगा ना, तो एक्शन इसका यही होना चाहिए। तो इसको एक्शन हम यही दे देते हैं और इनसे कहते हैं कि भाई तुम क्या करो कि अपडेट आईडी एक बना लो, अपडेट आईडी, ठीक है ना, अपडेट आईडी बना लो और उस अपडेट आईडी में पास कर दो वो जो ऊपर से तुम्हें वेरिएबल मिला है। कौन सा ऊपर से मिला है, ऊपर से मिला है इनको ऑर्डर की आईडी, ओके, उसको यहाँ पे कर दो डिस्प्ले। अब ये हो गई ऑर्डर आईडी, अब यहाँ पे उसको कर दो डिस्प्ले इस तरह से, ऑर्डर और आईडी, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है ना, ऐसा इनसे बोलो करने के लिए। और यहाँ पे मेथड जो है वो पोस्ट है ही है, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना। और अभी हमें क्या करना है ना कि अभी मिलना है अगले वीडियो में और वहाँ पर आगे की चीज़ें करनी है। चलिए।